ओके प्रतीक, टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल एक्सपीरियंस। ओके सर। सर एज आई एम बिलोंग्स टू मोर्शी फ्रॉम वेयर आई कंप्लीट माय स्कूलिंग्स एंड ड्यूरिंग स्कूलिंग सर आई एम यूजुअली पार्टिसिपेटिंग कल्चरल्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड माय आल्सो जून माय आई कंप्लीट माय जूनियर कॉलेज फ्रॉम देयर आल्सो मोर्शी इन साइंस एंड देन आई वेंट टू अमरावती टू कम परस्यू माय ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर फ्रॉम डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला यूनिवर्सिटी। During graduation in last semester, I interned at Rave for rural agriculture work experience. And in that semester, we have modules in which there are two subjects in which we have to demonstrate a module practically. In Rave rural agriculture work experience, we have to visit a rural area for 6 months and interact with farmers trying to solving their problems and जो उनके प्रॉब्लम्स रहते हैं वो समझ के लेना। और इन 8th semester वी हैव मॉड्यूल इन विच इन फर्स्ट सब्जेक्ट आई हैव डेमोन्स्ट्रेट इन ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन इन विच वी हैव टू कल्टिवेशन ऑफ मशरूम प्रोडक्शन एंड सेल्स इन द एरिया ऑफ जो आसपास को जो इलाका है उसमें हमें बेचना पड़ता है। इन सेकंड सब्जेक्ट आई हैव डेमोन्स्ट्रेट इन वैल्यू एडिशन इन फूड इन विच वी हमने उसमें जाम का प्रोडक्शन लिया था, रोज सिरप लिया था, जो हमें उसमें भी हमें खुद बनाना पड़ता है और बेचना पड़ता है। ओके प्रतीक, सो व्हाई आर यू नॉट परसुइंग योर स्ट्रीम ओनली अहेड, बिकॉज़ यू हैव अ वेरी लाइक डिटेल्ड एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग एग्रीकल्चरल एंड यू हैव डन प्रोजेक्ट्स आल्सो। So why don't you pursue agriculture only? After for MSc sir, है ना? Yes. So after complete my graduation, I joined my farming business. During farming business, I visit the rural area where I see the problems like rural area don't have proper roads to their farms, healthcare facilities, and etc. Yes, there is a huge scope in MSc and higher education in research also. But when I interned for Rave in 7th semester for 6 months, that time I get yes, कि अपन agriculture का use हम इस area में भी कर सकते हैं। उस वक्त मेरे कुछ दोस्त rural development rural के course के लिए prepare कर रहे थे, लेकिन उस वक्त मैं इतना ये नहीं था। जैसे जैसे मैं मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा, जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम मैंने खुद भी प्रॉब्लम फेस किए एग्रीकल्चर रिलेटेड रूरल एरिया में और रूरल एरिया से रिलेटेड, तो इसलिए सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एग्रीकल्चर का जो मैंने पढ़ा है ग्रेजुएशन वक्त और रूरल एरिया में जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है और लिवलीहुड के लिए जो रूरल डेवलपमेंट में जो चीज़ें काम आती है, जैसे मैंने मशरूम प्रोडक्शन किया है, वैल्यू एडिशन इनपुट किया है, जो रूरल एरिया के पीपल के लिवलीहुड और उनका इनकम बढ़ाने के लिए जो चीजें अच्छे जो जनरेट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि मेरा एग्रीकल्चर का जो भी नॉलेज है थोड़ा बहुत जो मैं रूरल डेवलपमेंट के कोर्स के थ्रू मैं अगर मैं इस फील्ड में गया तो मैं उसके लिए कर सकता हूँ, इसलिए मैंने रूरल डेवलपमेंट। कैसे कैसे लगता है कि तुमको कि तुम कुछ मिला के कुछ कर सकते हो, यू विल यूज योर बैकग्राउंड फॉर जैसे सर रूरल एरिया मोस्ट ऑफ द पीपल सर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अगर मैंने जो कुछ भी मुझे जो एग्रीकल्चर की न्यू टेक्नोलॉजीज रहती है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स रहती है, अगर उसके बारे में मैं फार्मर्स को बता सकूं इस कोर्स थ्रू, जब मुझे रूरल डेवलपमेंट में अगर जब मुझे फील्ड वर्क उसमें जब इंटर्नशिप रहती है उस वक्त मुझे ग्राउंड लेवल पर मुझे रूरल एरिया के पीपल के साथ इंटरेक्ट करने मिलेगा, और जिस वक्त मैं फील्ड में उतरूंगा तो ये काम तो तुम अब भी कर सकते हो। व्हाई डू यू नीड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट और वेस्ट 2 इयर्स फॉर दिस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम? यस, यू कैन डू राइट नाउ आल्सो, यू कैन अदर थिंग्स फॉर रूरल एरिया, फाइंड द सॉल्यूशंस एंड इनकॉर्पोरेट देम थ्रू योर नॉलेज। यस सर, नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर सर, एजुकेशंस education is also important in rural area, health facilities also, health but you are focused about in helping them through your background, na? Like you wanted to use your background. So for that
यू कुड हैव डू इट राइट नाउ, आप अभी भी कर सकते हो, आपको प्रोग्राम में आने की क्या जरूरत है? सर अभी तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन सर जो फार्मर्स लोग हैं जो इतना कोऑपरेट नहीं करते सर, अगर मैं इस कोर्स के थ्रू अगर कुछ स्किल्स और नॉलेज सीख सकूँ, कम्युनिकेशन नॉलेज कुछ सीख सकूँ, और मुझे इंटरेक्शन जो मुझे और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ मुझे मिल सके कि नहीं, इस तरह फार्मर को आप समझा सकते, इस तरह रूरल एरिया के पीपल्स को आप लिवलीहुड के बारे में समझा सकते कि नहीं, इस तरह आप रोजगार प्राप्त कर सकते, जो स्कीम्स रहती है मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट की स्कीम रहती है, जैसे मनरेगा है, ग्राम सड़क योजना है, वुमेन्स के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स है, तो इस स्कीम्स के थ्रू मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकूंगा और उसमें थोड़ा मेरा ग्रेजुएशन का जो बट उस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट तो कर ही रही है ना। हाँ सर, गवर्नमेंट तो उस स्कीम के थ्रू काम कर रही है, लेकिन कुछ कुछ रूरल एरिया में ऐसा है कि जो मतलब स्कीम तो है सर, लेकिन उस स्कीम के ऊपर काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ के उस स्कीम के ऊपर काम क्यों नहीं, उसमें गवर्नमेंट की कमी है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि सर वो वहाँ के रूरल एरिया करोगे, व्हाट विल यू डू इन दैट सर, वहाँ की प्रॉब्लम्स मतलब वहाँ का मेन प्रॉब्लम क्या है? अगर एजुकेशन है तो वहाँ पे एजुकेशन के लिए बच्चे स्कूल में क्यों जा नहीं रहे, लड़कियां क्यों मतलब स्कूल में उनको क्यों भेजा नहीं जा रहा है? अगर वहाँ पे हेल्थ सेक्टर फैसिलिटीज, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर फैसिलिटीज है क्यों नहीं? ये सब के लिए डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं ना गवर्नमेंट के। हाँ तो वो उनका काम है, तुम क्या करोगे और कैसे करोगे, वेयर डू यू फाइंड योर रोल इन दैट? तो सर रूरल डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ के जो मुझे वहाँ पे जो नॉलेज मिलेगा उसी थ्रू मैं, उसके थ्रू क्या करोगे? उसके थ्रू जो मुझे जो रोल मिलेगा सर, उस रोल के हिसाब से मैं काम करना चाहूंगा। रोल कहाँ मिलेगा तुम्हें? जैसे रूरल एनआरएलएम सर के नेशनल रूरल लेवलहुड मिशन करके, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करके जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर, उसके थ्रू मैं काम करना चाहूंगा। ठीक है, तुम थोड़ा इसमें ये भी बता सकते हो कि जैसे इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे नहीं, होलिस्टिक अप्रोच पे बात की जाएगी कोर्स में, रूरल सोसाइटी डेवलपमेंट की हिस्ट्री, डेवलपमेंट के गोल्स, फीचर्स, रूरल अर्बन में डिफरेंसेस, लोकल लेवल पे डेवलपमेंट के प्रोसेसेस, स्ट्रेटजीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हाउ एनजीओ हेल्प्स, हाउ कोऑपरेटिव बॉडीज हेल्प्स, ये सब चीज के कॉम्परेटिव नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज तुम्हें होगा। यू विल बी लर्निंग कि प्रोजेक्ट्स कैसे रन करते हैं, प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करते हैं, रूरल्स एरिया में प्रोजेक्ट्स के मैनेज करने में क्या डिफरेंसेस हैं, केस स्टडीज पढ़ोगे, फील्ड वर्क लोगे, तो एक तुम्हारा जो ओवरऑल ऐसे प्रोजेक्ट्स को डील करने का, मैनेज करने का, उसको और सही रिजल्ट लाने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। फिर आपका यूज जो है गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट बॉडी या कोऑपरेटिव बॉडी यूज कर सकती है फॉर डिफरेंट ऑफ देयर असाइनमेंट्स, है ना? और जब मैंने तुमसे बोला कि गवर्नमेंट तो करती ही है, व्हाई व्हाई यू व्हाट यू विल डू हियर, बोला कि इवन गवर्नमेंट भी करती है तो दे टेक हेल्प फ्रॉम एनजीओस, है ना? और गवर्नमेंट कई बार केवल पॉलिसी बनाती है, एग्जीक्यूशन में एनजीओस को इन्वॉल्व करती है या कोऑपरेटिव्स को इन्वॉल्व करती है, और मान लो कि गवर्नमेंट के थ्रू नहीं भी, तो कई सारी कंपनीज है जो रूरल डेवलपमेंट पे खुद अपना भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो आई कैन एसोसिएट विद देम एंड लेटर आई कैन आल्सो ओपन माय ओन ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्किंग फॉर रूरल डेवलपमेंट, है ना? ऐसे कर सकते हैं। एंड तो प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें मैंने बोला कि एग्रीकल्चर में तुम काम करना है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, व्हाई देयर इज नीड ऑफ द कोर्स, तो बोलोगे नहीं, मतलब काम एग्रीकल्चर में काम कर, उसको यूज करके वो करना है, बट द ओवरऑल लर्निंग गोल इज टू लर्न अबाउट इंटायर रूरल सोसाइटी, ऑल द थिंग्स दैट इज लैकिंग देयर, जितना भी जो भी मैंने अभी प्रीवियस आंसर में बताया कि डेवलपमेंट गोल्स, डेवलपमेंट फीचर्स, रूरल अर्बन डेवलपमेंट डिफरेंसेस, ये सब पढ़ने के बाद आई विल व्हेन आई विल डू द सेम जॉब आई विल बी मोर इफेक्टिव इन दैट, ठीक है? ऐसे बोलना है तुम्हें, मतलब करिकुलम के की आउटपुट को लेते हुए चलना है कि वो आपको लॉन्ग टर्म दैट इज गोइंग टू सपोर्ट यू, हेल्प यू इन अपने कैरियर को, अपने वर्क के स्कोप को बढ़ाने के लिए, ठीक है?
अब ऐसे तो कोई भी आदमी के पास अगर प्रोडक्ट है तो दे कैन स्टार्ट अ बिजनेस एंड कैन बिकम एंटरप्रेन्योर, बट एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग क्यों चाहिए होती है? बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है तो यू विल डू बेटर विद दैट. ओके, सो नाउ यू स्टे इन विच एरिया? तालुका में, मुर्शी तालुका. ओके, so tell me about any some issues or some problems or some challenges that your district's village faces. सर जैसे सर रोड प्रॉब्लम्स है सर, जैसे सर गांव तक तो रोड गए है सर अब, लेकिन जो गांव से जो अंदर जो खेत रहता है, जो खेत तक रोड नहीं जाती, तो उस वजह से क्या होता है, जो रेनी सीजन में जो प्रॉब्लम आते हैं फार्मर्स को, जो उनका प्रोडक्शन होता है, येल्ड होता है, तो उनको टाइम पर अपनी जो उनको अपना इंस्ट्रूमेंट वो सामान वगैरह लेके जाना पड़ता है खेत में, वो ले जा नहीं सकते. अगर टाइम पे जाकर अगर मोटर शुरू करना है, इरिगेशन देना है, तो वो रोड खराब होने की वजह से वो जा नहीं सकते. अगर जब प्रोडक्शन कंप्लीट होता है, प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद जो यील्ड निकलता है, तो उसके लिए जो डायरेक्ट जो जो बड़े बड़े गाड़ियां ट्रक और ट्रैक्टर रहते हैं, वो जा नहीं सकते खेत तक, वो एक प्रॉब्लम रहती है. अगर फार्मर को कोई साइड बिजनेस शुरू करना है, तो उसके पास गांव में तो इतनी जगह नहीं रहती कि वो शुरू कर सके, लेकिन खेत में रहती है. लेकिन खेत में अगर वो आगे साइड बिजनेस शुरू भी कर दे, तो फिर उसको वो प्रोडक्शन लाने के लिए जो रोड खराब रहते हैं, उसकी वजह से प्रोडक्शन ला नहीं सकता बाहर, खेत से बाहर, वो एक प्रॉब्लम रहती है. इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम रहती है कि ऐसी गाँव में तो इलेक्ट्रिसिटी रहती है, लेकिन खेतों की एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है. वो मोस्ट ऑफ द टाइम रात को 10 से 2 के बजे में, ऐसे 2 PM to 2 PM के बीच में वो लाइट छोड़ते हैं, तो उस वक्त रात को फार्मर को जाके इरिगेशन करना पड़ता है, तो वो एक प्रॉब्लम्स है. सेकंड, हेल्थ सेक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. मोस्ट ऑफ द रूरल एरिया में हॉस्पिटल क्या मेडिसिन मेडिकल शॉप भी नहीं है मोस्ट ऑफ द रूरल एरिया में. तुमने तो, देखा है, मतलब हैव यू सीन इट? आर यू टॉकिंग अबाउट द जनरल प्रॉब्लम फॉर एंटायर इंडिया और स्पेशली ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट? स्पेशली ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट सर. ओके, और मेडिसिन नहीं मिल रहा है? हाँ, मेडिसिन नहीं है सर, हॉस्पिटल तो दूर सर, मेडिकल शॉप भी नहीं सर कुछ कुछ रूरल एरिया में. और सर जो फार्मिंग के वक्त जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं फार्मर्स, तो मोस्ट बहुत बार तो नहीं होता है सर, पर कुछ बार ऐसा होता है कि आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर है, आपका जो फर्टिलाइजर है, वो खत्म हो जाता है. फार्मर को 20-25 किलोमीटर अर्बन एरिया में आके वो फिर से लेकर वापस जाना पड़ता है. तो ऐसे शॉप भी नहीं है, जो कृषि केंद्र जो बोलते हैं वो भी रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं होते. और एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो गांव में एजुकेशन की जब 5th स्टैंडर्ड तक या 6th स्टैंडर्ड तक ही स्कूल्स है, अगर 10th स्टैंडर्ड, उसकी वजह से बच्चों को डेली अप एंड डाउन करना पड़ता है रूरल टू अर्बन 20-25-30 किलोमीटर. उसकी वजह से बच्चे सर, मैंने भी खुद किया है जब मैं 10th तक, उसकी वजह से क्या होता है सर, बच्चा सुबह 7 बजे घर से निकलता है, दोपहर को 2 बजे तक आता है, वो थक जाता है दिन भर पूरा वो ट्रैवल वगैरह करके, तो उसके पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता है सर अच्छे से, वो भी एक प्रॉब्लम है सर रूरल एरिया में. ओके, एंड डू यू नो एनी एनजीओ व्हिच इज वर्किंग इन योर एरिया? सर आई एम, सर मैं खुद एक एनजीओ में काम कर रहा हूँ सर. अच्छा, क्या किस एनजीओ? एक निष्ठ सेवा भावी एनजीओ सर, ब्लड डोनेशन की इसमें काम करता है. अच्छा, और दूसरा कोई? तो फिर सर वो एनी एनजीओ व्हिच इज वर्किंग फॉर लाइवलीहुड और अदर सोशल इश्यूज इन योर विलेज एरिया? एक तो सर अभी नया नया शुरू होने वाला है सुदगिरनी करके, वहां पे जो वुमन एम्पावरमेंट के लिए शुरू किया है, वुमन्स के लिए स्पेशली सुदगिरनी. अच्छा, उसमें क्या करते हैं वो लोग? उसमें सर वो हमारे इधर सर फार्म का, फार्म जो हमारे वरुड़ मोर्शी तालुके में फार्म की मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फार्म का है, ऑरेंजेस का है. जो नागपुर में जो ऑरेंज जाते हैं वो हमारे यहाँ से जाते हैं, फिर नागपुर से पूरा इधर उधर एक्सपोर्ट होता है. तो जो वहाँ पे जो प्रोसेसिंग है सर ऑरेंज के ऊपर, जो साइज के अनुसार और उसको शाइनिंग देना, वो वहाँ पे काम होता है. अच्छा, छोटे से लेकर बड़े साइज तो जो ऑरेंज है उसकी
अलग अलग डिफरेंट इसमें पैकेजिंग करना और उसको शाइनिंग देना और पैकेजिंग करके नागपुर में भेजना, फिर वहां से पूरे ऑल इंडिया तक एक्सपोर्ट करना। ओके प्रतीक, व्हाट्स योर अदर हॉबीज और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज दैट यू? सर मुझे ऐसा वैसे डांस में, डांस और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। जैसे सर मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के वक्त भी मैंने इंटर कॉलेज टूर्नामेंट पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैंने फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस फुटबॉल और क्रिकेट में एज यूजुअल लिया था। और स्कूलिंग टाइम पर भी मैं स्टेट लेवल प्लेयर था सेपा टकरा का, और फुटबॉल में डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर था। और जब स्कूलिंग टाइम में सर मैं हर साल सर 26 जनवरी। ओके सो टेल मी वन थिंग, हाउ स्पोर्ट्स कैन help you in your program objective or your career objective? सर क्वेश्चन समझा नहीं सर। स्पोर्ट्स कैसे हेल्प कर सकता है तुम्हें फॉर योर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, मतलब लर्निंग गोल्स के लिए भी और आगे जाके व्हेन यू विल बी वर्किंग देयर, और रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में या रूरल डेवलपमेंट के उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो सर स्पोर्ट्स ने सर मुझे सर हमेशा फिट रखा है सर, और मुझे टाइम पर प्रैक्टिस के लिए जाना, ग्रुप में काम करना, टीम को संभालना, टीम को साथ में लेकर चलना, ये सर मुझे मुझे लगता है कि ये मुझे काम में आएगा सर आगे जाके। थोड़ा इस पे ये भी बताना कि चूंकि स्पोर्ट्स इज बड़ा अंडररेटेड या अंडर यूटिलाइज्ड एरिया है, फील्ड है, इट हैज नॉट बीन मेड एज एन इंडस्ट्री। हालांकि क्रिकेट और कबड्डी में बना है, बट देयर आर लॉट मोर स्पोर्ट्स व्हिच कैन बी कमर्शियलाइज्ड। मेरा ही गेम है सेपा टकरा, जो वो फेमस नहीं है सर कुछ। हाँ, और नहीं, एंड द सेकंड थिंग दैट यू कैन से कि गांव के बच्चे विद फुटबॉल, द फुटबॉल यू प्ले, फुटबॉल इज अ वेरी मतलब लाइक चीप स्पोर्ट इन टर्म ऑफ, अगर लोकल लेवल पे खेलना हो तो जस्ट नीड टू बाय अ बॉल। क्रिकेट की तरह कॉस्टली नहीं है कि बैट बॉल विकेट एवरीथिंग यू नीड, है ना? तो फॉर फुटबॉल यू जस्ट नीड टू बाय अ बॉल एंड यू कैन मेक गोल पोस्ट एनीथिंग एज अ गोल पोस्ट। तो फुटबॉल और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जो है वो कम्युनिटी बिल्डिंग करने में हेल्प करती है, एंड टू ऑर्गेनाइज यूथ फुटबॉल कैन हेल्प यू, एंड वंस दे मतलब वंस दे विल बी ऑर्गेनाइज्ड और कम्युनिटी में आएंगे, देन यू कैन यूज देम और इन्वॉल्व देम इन डिफरेंट डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। तो ऐसे यू कैन से, and also agar if you are good at sports so you can be able to identify the sports talent of the village where you are working, and yes, then then you can help them in making their mark in career, and this will boost the entire village attention towards sports, and more people in will come up with for the sports and sports related career goals. Theek hai? चलो ठीक है फिर, अभी